हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज अगेन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो कि आपके एक्ने के मार्क्स, एक्ने के स्पॉट्स जो बढ़ जाते हैं, विच इज कॉल्ड PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक्ने होते हैं, इट्स वेरी कॉमन, चाहे प्यूबर्टी हो, चाहे यंग एज हो, चाहे किसी को मिड एज में भी एक्ने आते हैं। और एक्ने जब आते हैं तो उनको फोड़ने की आदत तो हर किसी की होती है, मतलब उंगली करने की आदत हर किसी की है। हम लोग इंडिया में रहते हैं और बिल्कुल प्रिकॉशन फॉलो नहीं करते हैं, तो जब भी हम उसको उंगली करते हैं, एक्ने को फोड़ते हैं, तो वहाँ पर पड़ जाता है निशान, विच इज़ PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। सबसे बड़ा इशू यही आता है। आप एंटीबायोटिक खा लेंगे, आप एक्ने की मेडिकेशन खा लेंगे, एक्ने ड्राई अप हो जाएंगे, एक्ने सूख जाएंगे, मगर उसके स्पॉट को कैसे ख़त्म किया जाए, इसके लिए कोई बहुत अच्छा सीरम नहीं आया। और लोगों की डिमांड थी कि सर एक्ने के स्पॉट्स पड़ गए, इसको कैसे हटाएं, चेहरे में एक निशान पड़ गए, इसको कैसे हटाएं, इवन टोन कैसे करें, इसके लिए कोई अच्छा सीरम बताइए। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही बेस्ट ईक्लेक्टर फेड आउट लेके आया हूँ। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि फेड आउट, या आपके सारे एक्ने के PIH को, जितने भी फेस पे निशान है, उन सबको फेड आउट कर देगा। तो इसके अंदर ऐसा क्या खास है, मैक्सिम हेल्थ केयर हेल्थ साइंस ने बनाया है और 2200 रुपए का प्रोडक्ट है, इसके अंदर खास क्या है? तो इसके अंदर सबसे पहले एजिलिक एसिड 10% है जो आपके एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को मार देता है। एजिलिक एसिड की और भी खासियत है जो रोजेशिया में काम करता है। अगर आपको रेडनेस आ रही है, एक्ने के स्पॉट्स में रेड हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड रोजेशिया, तो उसमें भी हेल्प करेगा। एक्ने के पी एक्ने बैक्टीरिया जो आ रहे हैं उनको भी किल करेगा। तो इसमें एजिलिक एसिड, इसके बाद इसमें है ट्रांसमिक एसिड। ट्रांसमिक एसिड आपके मेलेनिन पिगमेंट को इनहिबिट करता है, ट्रायसिन पाथवे को ब्लॉक कर देता है ताकि वहाँ पे पिगमेंट ना बने। तो जब भी आप कोई इन्फ्लेमेशन होता है, आप उसको छेड़ते हो, तो वहाँ पे PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब पिगमेंटेशन ज़्यादा बन जाता है, तो ये उसको भी ख़त्म करेगा। ट्रांसमिक एसिड उसको ब्लॉक कर देगा। और इसके बाद इसमें नियासिनमाइड 5% और लिक्विड एक्सट्रैक्ट है इसमें, जो आपके जो ऑयल है फेस में, बहुत अगर आपको ऑयल आ रहा है फेस में तो उसको कंट्रोल करेगा, और साथ ही साथ आपके सीबम को भी कंट्रोल करेगा। और इसमें है फाइटिक एसिड 5% जो अगेन आपके जो पोर्स हैं, जो स्किन पोर्स हैं, उसको कंजेशन जो हो जाता है उसको डिकंजेस्ट करता है। तो पोर्स जब क्लियर आउट रहेंगे तो वहाँ पे पी एक्ने बैक्टीरिया नहीं रहेंगे, ना वहाँ पे एक्ने होंगे, और ये सीरम उनके PIH को भी नहीं होने देगा, मतलब स्पॉट भी नहीं पड़ने देगा। तो जब भी आपको लगे कि आपको बहुत सारे एक्ने आने लगे हैं, तो आपको मेडिकेशन तो खाना ही है। सी, ये एक्टिव एक्ने पे वर्क इतना अच्छा नहीं करेगा, ये आपके एक्ने के स्पॉट जो रेसिड्यू छूट जाते हैं, तो जितने लोगों के चेहरे पे निशान छूट जाते हैं वो कम से कम 6 महीने साल भर चलते रहते हैं, तो ये उसमें काम करेगा। इसको लगाने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। इसको आपको हफ्ते में, फर्स्ट मंथ आपको हफ्ते में 3 बार लगाना है, थ्राइस अ वीक एप्लीकेशन, नाइट टाइम एप्लीकेशन है। आपको पीरियड को लगाने का तरीका भी आपको दिखाई देता हूँ, सबको पीरियड भी अपन देख लेते हैं, टेस्ट कर लेंगे। ओके, तो एक बहुत ही सेक्सी सी बॉटल में आता है ईक्लेट फेड आउट। आपको अपने हाथ क्लीन करने, मेरे हाथ ऑलरेडी क्लीन है, आपको अपने हाथ क्लीन करने हैं, और आपको बहुत ही थोड़ा अमाउंट में लेना है और आपको स्पॉट पे लगा देना है। माइट भी आपको टिंगलिंग सेंसेशन फील हो सकता है, दैट्स वेरी नॉर्मल। आपको स्टार्टिंग में एक्ने अगर है तो वो फ्लेयर अप हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक्ने बैक्टीरिया को मार रहा होता है ये, तो माइट भी वो हो सकता है, तो डरना नहीं है। और जलन हल्की सी हो सकती है, तो विच इज बिकॉज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है। लगा के हल्का सा सर्कुलर डायरेक्शन में इसको रब करके और इसको छोड़ देना है। अगर आपके पूरे फेस में पिगमेंटेशन है तो आप फुल फेस में भी लगा सकते हो, अगर आपको सिर्फ स्पॉट्स पे लगाना है तो एक्ने के स्पॉट्स हैं तो आपको वहाँ पे कोई भी स्पॉट है, आप वहाँ पे पर्टिकुलर स्पॉट पे इस तरीके से आप उसको लगा के रात में लगा के छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको प्रॉपरली सन प्रोटेक्शन लेना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ट्रीटमेंट हो आपको सन प्रोटेक्शन लेना चाहिए, तो चाहे ये है चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको सन प्रोटेक्शन लेंगे तो आपको स्किन डैमेज कम से कम होगी। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी खुशबू है। ओके, तो इसको आपको डेली नाइट में लगाना है। फर्स्ट मंथ आपको थ्राइस अ वीक लगाना है, इसके बाद सेकंड मंथ से आप इसको डेली नाइट में अप्लाई कर सकते हैं। डेली एप्लीकेशन है, कोई इशू नहीं आएगा। ये आपको कंटिन्यूशन में 1 से 2 महीने मिनिमम लगाना है, रिजल्ट स्लोली आएगा। जादू की छड़ी कुछ नहीं है कि आपने लगाया और साफ हो जाएगा, तो ये आप रेगुलर लगाएंगे तो ये आपके उसको फास्टली साफ कर देगा। बिकॉज कंटेन एजिलिक एसिड, ट्रांसमिक एसिड, नियासिनमाइड, फाइटिक एसिड, बहुत सारे एसिड का मिक्सचर है, तो आपको टिंगलिंग सेंसेशन कर सकता है। बट दीज ऑल आर माइल्ड एसिड, दीज आर अल्फा हाइड्रोक्स एसिड, तो कोई भी इशू नहीं आएगा। प्रॉपरली सन प्रोटेक्शन के साथ इसको फॉलो करिए।
और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, जो ये मिलेगा आपको बहुत सारी जगह पे, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा वहां पे। मगर आपको एक चीज करना है, इसकी एमआरपी है 2200 रुपए। मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, डिस्काउंट कोड है विच इज ABHI, डिस्काउंट कोड है, आप उसको डालेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइज 2200 रुपए का प्रोडक्ट है, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑलरेडी। और ये मेरे ख्याल से मतलब बहुत चलेगा यार, एक बार ले लोगे ना 50 ml का है आपको अराउंड से 3 से 4 महीने में, आई थिंक 3 से 4 महीने चल जाएगा, मतलब उससे ज्यादा ही चल जाएगा। मतलब आपको एक बार लेके रख लो, जब जब स्पॉट आए, जब जब एक्ने आए, जब तक कोई भी इशू हो स्किन में, तो इसको लेके लगाते रहो, बस एक बार खरीदना है, बस उसके बाद आपको टेंशन छोड़ देने का है। ईक्लेट फेड आउट पिगमेंट करेक्टिंग सीरम विल फेड आउट ऑल योर पिगमेंट्स। कोई भी इशू है इसके अलावा, कोई भी डाउट है इसके अलावा, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मेरी आईडी डॉक्टर अप्रीत गुप्ता, मैं वहाँ पे आपका वेट करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये फॉरवर्ड